हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने राज्य आपदा और पुनर्बहाली स्थिति पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस साल आपदा में पिछली बार से कम नुकसान हुआ है, कई जाने गई हैं, हमने हर जगह का दौरा किया है, मुख्यमंत्री जी ने हर इलाके का दौरा किया है, जो भी राहत बनता है हमने पूरा किया है, रिकॉर्ड समय पर पीडब्ल्यूडी ने पुलों का निर्माण किया है, 15-15 दिनों में पुलों का निर्माण हुआ है, हम पूरी मजबूती से कार्य कर रहे हैं, अभी तक केंद्र से कोई बड़ा सहयोग हिमाचल को नहीं मिला है। इस बारे में मुख्यमंत्री विधानसभा के पटल पर स्थिति स्पष्ट करेंगे, क्योंकि विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगाएगा, हम पूरी मजबूती से उसका उत्तर देंगे। नहीं, निश्चित तौर से देखिए, डिजास्टर इस बारी हुआ है, मगर रब की मेहर है कि पिछली साल से कम हुआ है। हालांकि कई जाने गई है, कुछ मंडी जिला के राजभवन में गई है, कुछ हमारे कुल्लू जिला में समेज में और बागी पुल में गई है, हमने हर जगह गए हैं, मुख्यमंत्री जी ने हर इलाके का दौरा किया है और जो रिलीफ बनता है हमने पूरा रिलीफ वहां के लोगों को दिया है। और रिकॉर्ड समय में पीडब्ल्यूडी ने ब्रिजेस बनाए हैं, 15-15 दिन के अंदर ब्रिजेस बनाए हैं, तो हम पूरी मजबूती से कार्य कर रहे हैं। मगर ये भी हकीकत है कि अभी तक हमें केंद्र से कोई बड़ा सहयोग हिमाचल को नहीं मिला है। इस बारे में मुख्यमंत्री जी स्थिति विधानसभा के सभा पटल के ऊपर स्पष्ट करेंगे, क्योंकि विपक्ष जो है वो बेबुनियाद आरोप लगाएगा, मगर उसकी हम पूरी मजबूती से उसकी जो है वो उसका रिप्लाई देंगे। बाकी डिजास्टर कुछ इलाकों में हुआ है और भी जो डैमेजेस के चीज़ें हैं वो भी चला हुआ है, हम पूरी मजबूती से तथ्यों के साथ विपक्ष के हर प्रश्न का जवाब देंगे, मगर अगर वो बेफजूल की राजनीति करेंगे तो हमें भी उस तरीके से जवाब देना आता है।